नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों अर्थ पे लाइफ सबसे पहली बार कैसे ओरिजिनेट हुई। और दोस्तों, इसी के साथ ही आप लोग पैरेलल में मिलर और उरे के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानेंगे, जो कि दोस्तों काफ़ी हद तक ये बताते हैं कि इसी तरह से लाइफ आई होगी सबसे पहली बार प्लैनेट अर्थ पर। तो दोस्तों, मेरे साथ आज आप इस वीडियो बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओरिजिन ऑफ लाइफ को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई थी, जो कि ये बताने की कोशिश करती थी कि इसी तरह से लाइफ आई होगी प्लैनेट अर्थ पर सबसे पहली बार। अब दोस्तों, इस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप आई बटन से बाद में भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सब शुरू हुआ था रिलीजियस थ्योरीज पर, जिसमें सब कुछ गॉड पर ही फोकस था, जिसमें दोस्तों ये माना जाता था कि गॉड ने ही सब कुछ, पूरा यूनिवर्स और लाइफ बनाई है। अब दोस्तों, क्योंकि इसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए साइंस इसको नहीं मानती। साइंस बिलीव करती है ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ ऑब्जर्वेशंस पर बहुत सारी थ्योरीज आई थी बाद में, जिसमें से दोस्तों एक थ्योरी में माना जाता था कि अगर हम लोग बचे हुए खाने को सड़ने के लिए बाहर रख दें, तो उसमें मैगट्स और रैट्स बॉर्न हो जाते हैं या फिर एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। मतलब दोस्तों, लिविंग क्रिएचर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और दोस्तों, इस आइडिया या फिर थ्योरी का नाम था स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर दोस्तों, 1600s में एक्सपेरिमेंट का सीरीज शुरू हो गया, जिसमें दोस्तों तीन साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को कम्प्लीटली डिसप्रूव कर दिया, जिनका नाम था रेड्डी, स्पेलेंजनी और लुइस पाश्चर। और दोस्तों, 1800 में लुइस पाश्चर ने एक नया लॉ दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम लाइफ। अब दोस्तों, ये माना कि ये जो मैगट्स और रैट्स हैं, ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम कंपेयर करें अर्ली एनिमल से। और दोस्तों, इन्हीं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए 1859 में इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को प्रपोज किया, जिसमें दोस्तों डार्विन ये कहते हैं कि कुछ कंडीशंस के अंदर रिलेटिवली सिंपल क्रिएचर्स कैन गिव राइज टू मोर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स। अब दोस्तों, इस नई थ्योरी को लेकर सीरियस थिंकर्स अलग अलग चीज़ों को इमेजिन करना शुरू कर दिए, जिसमें दोस्तों सबसे मेन चीज़ थी कि वो ये सोचते थे कि जो अर्ली लाइफ थी, क्या वो नॉन लिविंग मैटर से आई, लेकिन डायरेक्टली नहीं, एक ग्रेजुअल प्रोसेस की तरह, जो कि एवोल्यूशन को इंडिकेट करता हो। लेकिन दोस्तों, शुरू में इससे रिलेटेड हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला। फिर दोस्तों, 1924 में एक रशियन बायोकेमिस्ट जिनका नाम था अलेक्जेंडर ओपरिन, उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब दोस्तों, उसमें उन्होंने इसी से रिलेटेड कुछ लिखा था, जिसमें वो ये कहते हैं कि लाइफ जो है वो सबसे पहली बार आई तो नॉन लिविंग मैटर से, लेकिन केवल एक बार, और उसके बाद से हमेशा लिविंग मैटर से आई। और दोस्तों, उसमें उन्होंने लाइफ से रिलेटेड एक चेन को भी दिया है, जिसमें दोस्तों वो सिंपल मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं और वो चेन जाके खत्म होती है लिविंग सेल्स पर। और दोस्तों, फिर अलेक्जेंडर ओपेरिन ने ये सोचा कि जो अर्ली ओशन है, उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बड़ा ही रिच कलेक्शन है, जिसमें अगर लाखों करोड़ों साल तक रिएक्शन हुई होगी, तो वो लिविंग सेल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली लाइफ को भी। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें नोट्स, बुक्स और इमेजिनेशंस पर ही बेस्ड थी। कोई भी अभी तक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं था जिससे हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाए। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड 1950s में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनका नाम था स्टैनले मिलर, उनको एक नया आइडिया आया, जिसमें दोस्तों वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग अर्थ की अर्ली कंडीशंस, जब कोई भी लाइफ नहीं थी अर्थ पे, अगर हम उस कंडीशन को सिमुलेट या फिर कॉपी कर ले लैब में एक एक्सपेरिमेंट के रूप में, तो क्या हम उस चेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि अलेक्जेंडर ओपेरिन ने अपनी बुक में लिखा था। तो दोस्तों, उन्होंने अपने प्रोफेसर हैरोल्ड उरे की मदद से एक एपेरेटस को तैयार किया, जिसमें उन्होंने एंशियंट वाटर साइकिल की कंडीशंस को सिमुलेट करना चालू कर दिया, जो कि दोस्तों अर्ली ओशन की कंडीशंस थी, जब अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट था। मतलब दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने अर्थ की अर्ली कंडीशंस को फुल कॉपी करने की कोशिश की है, जहाँ तक हमको पता है। फिर चाहे वो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हों उसको यूज़ करने की बात हो, या फिर ओशन में कौन कौन से केमिकल्स या फिर
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो उनको यूज करने की बात हो। और दोस्तों जो अर्ली अर्थ की कंडीशंस थी, जब अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी, उसके पूरे एनवायरनमेंट को हमने एक हफ्ते तक एक एपरेटस में रन किया। और दोस्तों ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट का एम ये नहीं था कि हमको ये साबित करना है कि लाइफ इस तरह से आई होगी। इस एक्सपेरिमेंट का एम ये था कि उस चेन को प्रिपेयर करना है जो कि अलेक्जेंडर ओपेरिन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में लिखा है। और दोस्तों जब इस एक्सपेरिमेंट को एक हफ्ते तक रन किया गया तो हमें बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली। दोस्तों हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिले और काफ़ी अमीनो एसिड्स भी मिले, जो कि दोस्तों अभी तक यही माना जाता था कि वो लिविंग क्रिएचर्स की बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमें पहली बार आइडिया लगा कि सबसे पहली बार जो अर्ली लाइफ थी वो नॉन लिविंग मैटर से आई होगी पहली बार, और उसके बाद से हमेशा लिविंग मैटर से आई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।